अगर आप इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं या फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस में जो है मिलियंस में व्यूज हैं, तो फिर आपको जो ये सीक्रेट एडिटिंग ट्रिक आपको जानना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। और किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत ही ईजी तरीके से मैं अच्छा अच्छा ट्रिक मैं अपने वीडियो में अप्लाई करूँ जिससे कि मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ मिलियंस में आए, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिए। फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये चीज़ बहुत ही ईजी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये वाला शर्ट या फिर ये वाला जो टी शर्ट मैं पहनूँ ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसका रंग मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो ये देखो मैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ओहो ये रंग भी अच्छा है, ये रंग भी अच्छा है, ये रंग भी अच्छा है, चलो यही रंग अच्छा है। तो चलो अब ये कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आप जो है टी शर्ट के कलर को कैसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मेरा वीडियो है और जहाँ जहाँ पे आपको जो है चाहिए, जैसे कि मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने चुटकी बजाया है वहाँ पे मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद कलर चेंज करने के लिए वहाँ पे मैंने इफेक्ट लगाया। अब कैसे करना है चलो देख लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं सिखा रहा हूँ। देखो ऊपर में जाना और उसके बाद जो है इफेक्ट में क्लिक करने के बाद न्यू ब्लू इफेक्ट्स आएगा, उसके नीचे फिल्टर आएगा और फिर साइड में देखना सिलेक्टिव ह्यू करके आपका जो है एक ऑप्शन आएगा, उसको ड्रैग करके नीचे ले जाना है, और अगर नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लेना हो जाएगा। फिर राइट साइड में देखना पेन में टूल में क्लिक करके जो भी कलर है आपका टी शर्ट का उसको सिलेक्ट कर लेना है, और जो ह्यू वाले जो ऑप्शन है उसको आगे पीछे करके आप जो बहुत सारा कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कलर रखना है आप रख लो। और यहाँ पे देखो साइड में जो है ऊपर में कंधे के नीचे कुछ कुछ आपका दाग आ रहा है, तो उसको जो है रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देना, और बढ़ा देने के बाद आपका जो है पूरा परफेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला फिल्टर वाला ऑप्शन जो है जहाँ पे मैंने रखा है वहीं पे ये कलर चेंज वाला इफेक्ट काम करेगा, जहाँ पे आप नहीं रखोगे वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आप जो है कोई एक्शन करते हो, जैसे मैं चुटकी बजा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जो है इजीली रख के जो है इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो, और अपने शर्ट का या फिर कोई भी चीज़ का कलर आप इजीली आप चेंज अप कर सकते हो फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। अब देखो मेरे पास ये वाला टी शर्ट जो है बहुत ही अच्छा टी शर्ट है, इसको मैं पहनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे पहनूँ चलो मैं पहन ही लेता हूँ। वाओ अब चलो अब ये भी मज़ा नहीं आ रहा पहनने में, अब सोचता हूँ कि ये वाइट वाला, ये वाला मैं पहन लेता हूँ। ये टी शर्ट भी अच्छा है वाइट कलर में, ये भी बड़ा मस्त शर्ट है। चलो मैं और भी चेंज करता हूँ, मेरे पास ये वाला भी है, चलो अब ये वाला भी पहन के देखते हैं कैसे चेंज कर। देखो मैंने कितने आसानी से मैं चेंज करूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा, देखो इसको ही मैं चेंज कर लेता हूँ। देखा कितनी आसानी से मैंने इतने सारे जो है कलर वाले टी शर्ट मैंने फटाफट आपके सामने चेंज कर लिए। ऐसे ही आप जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ये भी मैं आपके चलो आगे वीडियो में मैं दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि क्लोथ चेंज वाले इफेक्ट को कैसे आप इजीली आप कर सकते हैं। इसमें वो कुछ नहीं करना है, आपको बस सही टाइम पे जो है कट लगाना है, और जो है किस तरह का एक्टिंग करना है क्या क्या शूट करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जैसे दो हमारा क्लिप है, तो इसमें दो तरह का वीडियो आपको शूट करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो पहला वीडियो जो है आपको जो भी कपड़ा है उसको हाथ में ऐसे लेते हुए अपनी तरफ खींचते हुए आपको जो है शूट करना है, और सेकेंड वाला जो वीडियो है वो आपको एक्टिंग करना है कि वैसे ही आपको सेम एक्टिंग करना है जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो, और उसके बाद जो है आपको जो है जैसे ही मोशन होगा उस मोशन के ऊपर कट लगाना है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है इसको मैंने जो है डिलीट कर दिया, और सेकेंड वाला जो पार्ट है जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसको भी देखो मैं एकदम सामने जब ला रहा हूँ एकदम मोशन में तब मैं उसको मैं कट लगा रहा हूँ, यानी कि दोनों क्लिप में मोशन होना चाहिए तभी आपको जो है रियल लगेगा। उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखो अब मैंने ऐड करके अब मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा, अब देखो कितना अच्छी तरीके से ये इफेक्ट काम करेगा। ये देखो इस तरह से जो है बहुत ही ईजी में बस आपको जो है एक्टिंग करना है और दो अलग अलग क्लिप को सही टाइम पर ट्रिम करके कट करके ज्वाइन करना है। इस तरह से आप ये फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली आप कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है आप स्क्रीन से आप कैसे निकालोगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक जो है पौधा मेरे स्क्रीन के ऊपर में रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको जो है दो फोटो आपको पहले से क्लिक कर लेना है, यानी कि एक में पौधा है और एक में जो है वो प्लांट नहीं है, यानी कि दो अलग अलग फोटो लेने हैं। कैसे कैसे उसको चेंज करना है वो देख लो, और इसके लिए आपको जो है दो वीडियो आपको शूट करना है, एक जो है आपको जो है उठाते हुए स्क्रीन में हाथ रख के उठाते हुए, और दूसरा जो है उसको जो ओरिजिन जो है गमला उसको रख के उठाते हुए दोनों को शूट करना है। एक में जो है गमले के साथ वाला फोटो था और एक में बिना गमले के साथ वाला फोटो था, लेकिन मैंने सिर्फ उसके सामने गमला रख के बस मैंने उठाने का मैंने एक्टिंग किया जिससे कि लगे कि फ़ोटो से ही गमला बाहर हो गया है, लेकिन जबकि सेकेंड वाले फ़ोटो में गमला था ही नहीं है ही नहीं। दोनों ही वीडियो में जो है आप अपने अनुसार जो है जैसी मोशन होगा वैसी दोनों में कट लगाना है, और दोनों में कट लगाने के बाद जो है उसको आपस में जोड़ देना है जिससे कि लगे कि गमला जो है स्क्रीन से निकल गया है। तो इस तरह से आप जो है इजीली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने स्क्रीन से आप निकाल सकते हो।
अब चलिए देख लेते हैं कि आपको ये वाला वीडियो जो है कैसे बनाना है, इस ट्रिक को कैसे आपको यूज़ करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये देखो ये मैंने डाला, देखो स्क्रीन से पानी निकल गया और ये बोतल में गिर गया। तो ये आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जो है दो तरह का वीडियो आपको शूट करना पड़ेगा। देखो पहला वाला जो वीडियो है उसमें हमको जो है बस एक जो है एक्टिंग करना है कि हमने जो है खोला है और हमने जो है जूस गिरा है। देखो इस तरह का वीडियो का हमने को एक एक्टिंग जैसे ऐसे कर लेना है। देखो इस तरह का वीडियो आपको शूट कर लेना है और शूट करके आपको तैयार कर लेना है। अब उसके बाद आपको जो है उसको क्रॉप करना है, और क्रॉप कहाँ तक करना है वो मैं आपको मैं दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखो, ये हमने शूट कर लिया है। अब वीडियो को सिलेक्ट करके मैं क्रॉप करूंगा। ये जो बोतल का जो जो है सामने का जो मुंह है, यानी सामने का जो इसका माउथ है, उसको जो है स्क्रीन के बाहर तक ले जाना है। यानी कि बोतल का जो सामने वाला है जो हिस्सा है वो स्क्रीन के थोड़ा सा बाहर जाएगा, जिससे कि जब वीडियो में लगे तो देख के लगे कि डायरेक्ट वहीं से आपका जो भी है जूस हो गया या जो भी वाटर हो गया वहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको एक्टिंग कर लेना है। देखो इस तरह से वो उसका जो सामने वाला जो है वो स्क्रीन के थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले। ये एक वीडियो शूट कर लेना है। और सेकंड जो है, आप जो उस वीडियो को जो है अपने टैब में या फिर किसी भी स्क्रीन में इसको रिकॉर्ड करके या फिर USB से या फिर डेटा ट्रांसफर से उस वीडियो को उसमें ले आओगे, और लेने के बाद पीछे में ऐसे जूस का बोतल आपको रखना है, और जैसे ही वो एक्टिंग करेगा अपने टैब में वीडियो को ऑन करोगे, और ऑन करने के बाद जैसे ही वो एक्टिंग करेगा ऐसे पानी गिराने का, आपको भी साइड से जो है पानी गिरा देना है। बहुत ही इजी है, या फिर जूस है। देखो जैसे कि मैंने पीछे में बोतल में पकड़ा हुआ है और उसको मैंने टैब में उस वीडियो को चला दिया है, और जैसे ही वो कर रहा है मैंने भी यहाँ से साइड से पानी गिरा दिया। इसे देख के यही लगेगा कि स्क्रीन से डायरेक्ट पानी गिर गया है। तो ये भी बहुत ही फेमस ट्रिक है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और जो है मिलियंस में व्यूज़ लाते हैं। आप भी इसको यूज़ करके मिलियंस में व्यूज़ आप ला सकते हो। अब देख लेते हैं कि आपको जो है इस ट्रिक को कैसे शूट करना है। सबसे पहले वाले वीडियो में आपको जो है नॉर्मल पानी डालते हुए आपको वीडियो शूट करना है, और एक वीडियो शूट करना है जिसमें आप नॉर्मल आप आइस आप डाल रहे हो, और आइस वाला जो वीडियो है उसके ऊपर वाले लेयर में आपको ले जाना है, और दोनों का एक्शन को मैच करते हुए आपको साइड में जो है मास्किंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और उसके ऊपर मास्किंग के ऑप्शन को रख के जैसे देखोगे तो सेकेंड वाला वीडियो उसमें आ जाएगा। मास्क करना है, और नीचे में आप देखोगे तो ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा आपको ऊपर करना है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ाना है, एडजस्ट करना है, जिससे कि आप जो है इसको इजीली इस ट्रिक को आप कर पाओगे। अभी तक आपने जितने भी सारे ट्रिक्स देखे, ये सारे ट्रिक्स ना आप फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बहुत ही इजीली कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से फ्री में डाउनलोड करके आप इसको ईजिली आप यूज़ आप कर सकते हो।